हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, शिबा इनू कॉइन से जुड़ी कुछ लेटेस्ट अपडेट्स आपके लिए हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। साथ ही बात करेंगे यहाँ पर शिबा इनू कॉइन के प्राइस प्रेडिक्शन की कि नेक्स्ट ईयर तक शिबा इनू का प्राइस किस रेंज तक पहुँच सकता है और क्या आने वाले कुछ सालों में शिबा इनू $1 को टच कर सकता है। सारी अपडेट हम इस वीडियो में कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें। दोस्तों, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, आते हैं सबसे पहले अपडेट्स की ओर और आप यहां पर देख सकते हैं सबसे पहली अपडेट जो शिबा इनू कॉइन की यूटिलिटी से जुड़ी हुई है और जो वेनेजुएला से जुड़ी हुई है। वेनेजुएला जोन की जब भी बात आती है दोस्तों, यहां पर हमें याद आता है शिबा इनू कॉइन की यूटिलिटी। और अगर आप देखें तो यहां पर फिर से एक और शॉप के द्वारा शिबा इनू को एज अ पेमेंट एक्सेप्ट किया जा रहा है। इससे पहले वेनेजुएला में 100 से ज्यादा बिजनेस हो चुके हैं दोस्तों जो शिबा को एक्सेप्ट कर रहे हैं, और यहां पर भी आप देख सकते हैं लगभग 101 स्टोर है जिसके द्वारा शिबा इनू को एक्सेप्ट किया जा रहा है। और इससे पहले भी यहां पर शिबा इनू को लगातार यहां की शॉप के द्वारा यूज किया जा रहा है, एज अ पेमेंट एक्सेप्ट किया जा रहा है। आप देख सकते हैं मोर देन 100 कंपनीज एक्सेप्ट शिब इन वेनेजुएला। वेनेजुएला की अगर हम बात करें तो लगभग 100 प्लस शॉप्स ऐसी है जो वहां पर शिबा को एज अ पेमेंट एक्सेप्ट कर रही है, जो शिबा इनू के लिए वेनेजुएला में काफी बड़ी अचीवमेंट है। और दोस्तों, अब बात करते हैं यहाँ पर travel.com की लिस्टिंग की अनाउंसमेंट की। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं travel.com जो एक काफी बड़ा प्लेटफॉर्म है, लगभग यहाँ पर आपको लाखों में फॉलोअर्स इनके ट्विटर हैंडल पर देखने को मिल जाए और ये 30 लाख से ज्यादा प्रोडक्ट्स को वर्ल्ड वाइड अवेलेबल करवाता है। अगर आप देखें 60 प्लस क्रिप्टोस को ये एक्सेप्ट भी करता है एज अ पेमेंट, और यहां पर फ्लोकी और शिबा के बीच में इसने एक बैटल भी ऑर्गेनाइज किया हुआ है। और अगर आप देखें तो ये बैटल यहां पर एंड होगा 21 आवर्स 5 मिनट, मतलब अभी भी हमारे पास यहां पर एक दिन बचा हुआ है। और अगर आप देखें तो यहां पर वोटिंग अच्छी खासी संख्या में हो रही है। गोल जो था वोटिंग का वो लगभग यहां पर 40 लाख का था, लेकिन जो वोटिंग यहां पर हुई है दोस्तों वो यहां से उससे भी ज्यादा हो चुकी है। 44,82,575 वोट यहां पर अभी तक डल चुके हैं, मतलब यहां से लगभग 4 लाख वोट अभी तक ज्यादा डल चुके हैं। और शिबा की अगर हम बात करें तो शिबा को यहां पर लगभग 31 लाख से ज्यादा वोट्स मिले हुए हैं। अगर हम फ्लोकी की बात करें तो आप देख सकते हैं फ्लोकी को तकरीबन यहां पर 14 लाख वोट मिले हुए हैं, मतलब काफी ज्यादा संख्या में यहां पर वोटर्स आ रहे हैं जो यहां पर वोट कर रहे हैं। travel.com दोस्तों एक काफी बड़ा प्लेटफॉर्म है और उस पर भी आप देखें तो यहां पर इतने ज्यादा फॉलोअर्स नहीं है जितने यहां पर वोट्स डले हुए हैं, तो काफी ज्यादा क्वांटिटी में यहां पर लोग आ भी रहे हैं, शिबा को सपोर्ट कर रहे हैं, फ्लोकी को भी सपोर्ट कर रहे हैं। और अगर आप भी एक शिबा आर्मी का हिस्सा है तो आप भी यहां पर आकर शिबा इनू को सपोर्ट कर सकते हैं। यहां पर रिवॉर्ड्स भी रखे गए हैं। और अगर हम बात करें तो शिबा इनू यहां पर एक तरफा आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, मतलब बहुत जल्द यहां पर travel.com जो एक और बड़ा प्लेटफॉर्म है दोस्तों, उसके द्वारा शिबा इनू को एज अ पेमेंट एक्सेप्ट किया जाने वाला है। बहुत ही जल्दी आप देखेंगे लगभग कल के दिन में इसी टाइम यहां पर इनके द्वारा एक अनाउंसमेंट आपको सुनने को मिल सकती है इनके ट्विटर हैंडल से। और अगर हम बात करें यहां पर दोस्तों वेल वॉलेट्स की, तो आप देख सकते हैं यहां पर वेल वॉलेट से जुड़ी अपडेट, शिबा इनू रिमेंस टॉप होल्डिंग इन वेल वॉलेट्स आफ्टर मार्केट ड्रॉप्स बाय 25%। कल जब यहां पर 25% का ड्रॉप देखने को मिला था मार्केट में, मार्केट क्रैश हुआ था, उसके बावजूद अगर आप देखें तो यहां पर वेल वॉलेट्स में टॉप होल्डिंग अभी भी शिबा इनू कॉइन की बनी हुई है, मतलब यहां पर वेल्स शिबा को लेकर अभी भी बुलिश है। और आने वाले टाइम में हम देख सकते हैं फिर से यहां पर शिबा इनू कॉइन में वेल्स एंट्री लेते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि कल भी आपने देखा था जहां मार्केट डीप में गया, मार्केट क्रैश हुआ, वहां पर वेल्स की मूवमेंट ज्यादा देखने को मिल रही थी और बहुत सारे कॉइन्स को उन्होंने अपने वॉलेट में ऐड किया जिसमें शिबा इनू कॉइन भी था। लगभग वहां पर कल के दिन में भी 28 बिलियन शिबा इनू कॉइन को परचेस किया गया था वेल वॉलेट के द्वारा। और अब बात करते हैं दोस्तों शिबा इनू कॉइन के प्राइस प्रेडिक्शन की कि क्या आने वाले टाइम में शिबा इनू कॉइन का प्राइस $1 को छू सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को यह लगता है कि शिबा इनू का प्राइस $1 तक जा सकता है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि शिबा इनू का प्राइस $1 तक नहीं जा सकता है। तो क्या हो सकता है आने वाले टाइम में, अगर आप देखें तो यहां पर एक आर्टिकल पब्लिश किया गया है शिबा को लेकर कि शिबा $1 हिट कर सकता है क्या 2022 में। हम यहां पर ईयर को कंसिडर नहीं करते हैं दोस्तों, क्योंकि ईयर को आने में अभी लगभग एक महीने से भी कम बाकी है 2022 की शुरुआत को। और अगर हम यहां पर 2021 की बात करें तो 2021 में शिबा इनू ने सबसे ज्यादा प्रॉफिट दिया हुआ है। अगर किसी भी क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो सबसे ज्यादा रिटर्न जिस कॉइन ने दिया हुआ है दोस्तों वो शिबा इनू कॉइन है, मतलब इसमें इतनी ज्यादा ग्रोथ हुई है। और अभी भी अगर आप देखें तो सीएमसी पर ये टॉप 10 में आ चुका था। और अगर आप शिबा इनू कॉइन में $2 भी इन्वेस्ट कर देते हैं इस साल के शुरुआत में, तो आप देख सकते हैं आपके वो जो $2 होते हैं दोस्तों वो लगभग $1 मिलियन में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि शिबा इनू कॉइन का जो प्राइस चल रहा था सीएमसी पर अगर हम देखें तो उसमें 10 जीरो देखने को मिल रहे थे इस साल की शुरुआत में। बट एज ऑफ द वेरी अर्ली मॉर्निंग November 30 दैट्स आर शिब टोकन वॉज चेंजिंग हैंड्स फॉर $0.00047, जहां पर अगर हम November 30 की बात करें तो प्राइस वहां पर चल रहा था दोस्तों 10 जीरो के साथ में, November 30 में चेंज होकर वहां पर सिर्फ 4 जीरो ही देखने को मिले। मतलब यहां पर अगर ग्रोथ की बात करें 65 मिलियन परसेंटेज की ग्रोथ यहां पर शिबा इनू कॉइन के प्राइस में हुई थी
अगर हम इसी साल की बात करें, इसका मतलब सिर्फ आप यहाँ पर $2 से कम भी लगाते जनवरी 1 को तो आप यहाँ पर मिलियनेयर बन जाते, आपका जो पैसा होता वो $1 million में कन्वर्ट हो जाता। तो इतना रिटर्न अभी तक दे दिया दोस्तों, इसीलिए यहाँ पर शिबा इनू कॉइन की जो ग्रोथ आने वाले टाइम में आप देखेंगे वो इतनी तेजी से होते हुए नहीं दिखाई देगी। जिस तरीके का रिटर्न यहाँ पर अभी तक शिबा ने दिया है वो हम अभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आने वाले कुछ महीने या कुछ सालों में, लेकिन फिर भी यहाँ पर शिबा इनू कॉइन आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। शिबा इनू कॉइन का प्राइस भी बढ़ेगा, क्योंकि अगर हम बात करें नेक्स्ट ईयर की तो नेक्स्ट ईयर काफी ऐसी अपडेट्स है दोस्तों जो शिबा इनू कॉइन के इकोसिस्टम में देखने को मिल सकती है। अगर हम बात करें नेक्स्ट ईयर की दोस्तों, तो नेक्स्ट ईयर शिबा इनू कॉइन का प्राइस जो है वो बढ़ता नजर जरूर आएगा। अभी आप देख रहे हैं 0.003 और 0.004 की सीरीज में आपको ये देखने को मिल रहा है, और उम्मीद है दोस्तों कि नेक्स्ट ईयर यहां से 10 हटता हुआ दिखाई दे सकता है। हम बात कर रहे हैं INR की प्राइस की, क्योंकि यहां पर काफी बड़ी ऐसी अचीवमेंट्स है दोस्तों जो शिबा इनू कॉइन ने इस साल भी कवर की, और नेक्स्ट ईयर अगर आप देखें तो यहां पर AMC के द्वारा जो रियल वर्ल्ड यूटिलिटी है दोस्तों वहां पर भी आप देखेंगे जो वर्क है वो होता जा रहा है, इनकी टीम के द्वारा लगातार वहां पर वर्क कर रही है और AMC के द्वारा भी एक्सेप्ट किया जाएगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि क्या शिबा इनू कॉइन का प्राइस $1 तक पहुंच सकता है। हम 2022 नहीं, हम 2025 तक की बात कर लेते हैं, हम 2030 तक की बात कर लेते हैं। तो इस सप्लाई के साथ शिबा इनू का प्राइस $1 तक कभी नहीं पहुंच सकता, एक तरीके से कहें तो नामुमकिन है दोस्तों, क्योंकि सप्लाई काफी ज्यादा है। अभी भी अगर आप देखें तो जो शिबा इनू का मार्केट कैप है वो लगभग $20 billion के ऊपर है, और यहां पर अगर हम टोटल मार्केट कैप की बात करें तो वो लगभग $3 trillion के नीचे आपको देखने को मिलेगा। मतलब वहां पर टोटल मार्केट कैप अभी आप जो देख रहे हैं उसको वहां पर कई गुना ज्यादा हो जाना पड़ेगा अगर यहां पर शिबा इनू का प्राइस जो है वो $1 तक जाता है। मतलब अगर आप देखें दोस्तों तो शिबा इनू कॉइन का प्राइस जब $1 तक पहुंच जाएगा तो जितना अभी सप्लाई है, अगर हम बात करें सप्लाई की 549 trillion सप्लाई है शिबा टोकन का, तो यहां पर जो टोटल मार्केट कैप हो जाएगा शिबा का वो लगभग $549 trillion हो जाएगा। और टोटल मार्केट कैप की अगर हम बात करें तो आप देख रहे हैं अभी $3 trillion से नीचे है। और अगर हम एप्पल की बात करें जो सबसे बड़ी कंपनी है हमारे प्लानेट की, उसका भी जो टोटल मार्केट कैप है वो $2.63 trillion। दोस्तों आपको यहां पर ये समझना है कि शिबा इनू कॉइन का प्राइस $1 इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि इसका सप्लाई काफी ज्यादा, और इस सप्लाई के साथ $1 जाना काफी ज्यादा मुश्किल है। और अगर हम बात करें शिबा इनू कॉइन के प्राइस के बढ़ने की दोस्तों, तो आप देखेंगे आने वाले कुछ सालों में शिबा इनू कॉइन का प्राइस बढ़ता हुआ नजर जरूर आएगा। जिस तरीके से अगर हम देखें तो शिबा top 10 में भी आ चुका है, तो यहां पर अगर आप देखें तो जो मार्केट कैप अभी चल रहा है उससे कई गुना ज्यादा मार्केट कैप को होना पड़ेगा तब जाकर शिबा का जो प्राइस है वो $1 तक पहुंचेगा। मतलब एक तरीके से कहें तो 2-3 देशों को बेचना पड़ जाएगा तब जाकर शिबा का जो प्राइस है वो $1 तक पहुंचेगा। आई होप दोस्तों आप यहां पर ये समझ गए होंगे कि शिबा इनू कॉइन का प्राइस $1 तक पहुंचना कितना ज्यादा मुश्किल होगा। अगर हम बात करें नेक्स्ट ईयर की तो आप देखेंगे नेक्स्ट ईयर काफी कुछ ऐसी अच्छी अपडेट्स हैं जो शिबा इनू कॉइन से जुड़ी हुई है, इस वजह से हम कह सकते हैं कि शिबा के प्राइस से 10 हट सकता है। हम बात कर रहे हैं INR में 0.003 तक जा रहा है। अगर हम बात करें नेक्स्ट ईयर जनवरी की तो आप देखेंगे 0.006 और 0.007 पर ये फिर से जाता हुआ नजर आ सकता है, 7 से ऊपर भी थोड़ा जाता हुआ नजर आ सकता है। दोस्तों और कोई भी अपडेट निकल कर आती है शिबा इनू कॉइन या क्रिप्टो मार्केट से जुड़ी तो हम आपके लिए जरूर लेकर आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।